इंग्लिश मैथमैटिक्स फिजिक्स इसमें लाहर मे क्लास टेन चैप्टर नंबर टेन जो बेसिकली पहला चैप्टर है सिंपल हारमोनिक मोशन आज हम इसके एम सी क्यूज करते हैं क्वेश्चन वन विच ऑफ द फॉलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन a the motion of simple pendulum, b the motion of ceiling fan, c the spinning of earth on its axis, d a bouncing ball on the floor. सबसे पहले तो आप ये समझें कि सिंपल harmonic मोशन होता क्या है तब आप जवाब दे सकते हैं सिंपल harmonic मोशन जो है एक टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन होता है oscillatory मोशन आगे पीछे जाने वाला और जिस तरह के इस पेंडुलम का है आगे जा रहा है पीछे आ रहा है आगे जा रहा है पीछे जा रहा है इसी तरह घड़ी के अंदर भी पेंडुलम लगा होता है आगे पीछे जाने वाला इट इज़ द मोशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी इसमें क्या चीज़ ऑसिलेट कर रही है बॉडी आगे पीछे जा रही है अराउंड इट्स रेस्ट पॉइंट रेस्ट पॉइंट से आगे और पीछे आती जाती रहती है तो इस केस में देखें तो हमारे पास पेंडुलम ही जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है ए क्वेश्चन नंबर टू है इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ये जो नीचे बॉल लटका होता है इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ थ्री द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ टू रिमेन द सेम बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ टू बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ फोर आप देखें कि ये आपके पास एक पेंडुलम है जिसमें इसके नीचे एक बॉब लगा हुआ है ठीक है तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ एक चक्कर लगा के पूरा वापस आ जाना ठीक है अब इनिशियल मास क्या बता रहे हैं इनिशियल मास जो भी है जो इंक्रीज मास होगा फैक्टर ऑफ थ्री यानी कि नया मास इसके ऊपर जो लगाया जाए वो थ्री टाइम्स द इनिशियल मास लगाया जाए तो अब टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मास से या एम्पलीट्यूड से ये याद रखें द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड यानी कि टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मास चेंज करने से यानी ये इसकी जगह इतना दस किलो का लगा दें ये पहले एक किलो का अगर लगावे या फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा दें यानी यहाँ से आपने छोड़ा तो जितना टाइम लगाएगा इसी तरह अगर यहाँ पर रख के छोड़ते तब भी जितना टाइम लगाता वो उतना ही लगाता तो फिर किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ये है टाइम पीरियड का फार्मूला इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेर रूट एल ओवर जी यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी ये और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या यानी दुनिया के अंदर और होगी और चांद के ऊपर और होगी तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ठीक है तो अब क्या होगा इट विल रिमेन द सेम क्योंकि मास बढ़ा दिया आपने थ्री टाइम्स कर दिया तो मास से हमने डिस्कस कर लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो रिमेन द सेम इज़ द आंसर क्वेश्चन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गीडनल वेव्स पहले तो ये देख लें कि ट्रांसवर्स और लॉन्गील वेव की शक्ल क्या होती है ट्रांसवर्स वेव ये जो ऊपर नीचे आ रही होती हैं ठीक है जिसमें क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है ठीक है लॉन्गील वेव्स जिसके अंदर कंप्रेशन होती हैं और एक्सपेंशन होती हैं और स्ट्रिंग ऑप्शन है ये स्प्रिंग के अंदर देख लें तो ट्रांसवर्स वेव्स आ रही होती हैं बी रिपल टैंक रिपल टैंक के अंदर भी देखें तो ट्रांसवर्स वेव्स आ रही होती हैं सी हेलिकल स्प्रिंग जिस तरह हमने स्टार्ट में डायग्राम देखी थी इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव भी आ रही होती हैं और लॉन्गिट्यूडल वेव्स भी आ रही होती हैं और फिर डी अ ट्यूनिंग फॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम लोग वाइब्रेशन देते हैं तो वो कौन सी वेव देती हैं लॉन्गीचूडनल वेव सिर्फ लेंथ के अलॉन्ग रही होती हैं तो हमारा आंसर सी है हेलिकल स्प्रिंग जो है आपको ट्रांसवर्स वेव भी देता है और लॉन्गील वेव भी देता है क्वेश्चन नंबर फोर वेव्स ट्रांसफर वेव्स क्या ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव या वेलासटी आप इस डायग्राम को देखें जब एक वेव मूव कर रही होती है तो वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी उसका इस तरफ है ठीक है तो बेसिकली एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही होती है इसके ऊपर अगर आपको एक चीज़ लिख दें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्शन ऑफ़ मूवमेंट ऑफ द बोट अगर यहाँ पे कोई बोट हो तो वो ऊपर नीचे जा रही होती है वो आगे नहीं जा रही होती ठीक है तो एनर्जी बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाती है इसको बोट को कुछ हिस्सा एनर्जी का और बोट ऊपर चली जाती है ठीक है तो बेसिकली एनर्जी इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कंडक्शन कंडक्शन क्या होती है जी यहाँ पे अभी हीट हो रही है तो कंडक्शन टच कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट हो रही है कंडक्शन में ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना दादी बात है हमें गर्मी महसूस हो रही होती है यहाँ यहाँ की जो चीज़ है नेक्स्ट रेडिएशन हम लोग टच नहीं कर रहे लेकिन अभी हमें इसकी गरमाइश यहाँ पर महसूस हो रही है हवा के थ्रू रेडिएशन एयर के थ्रू हमें पहुंच रही है रेडिएशन यार यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसका मतलब ये तो दोनों आंसर ठीक हैं तीसरा देख लें वेव मोशन वेव मोशन में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है कि अगर शिप है यहाँ पे या बोट है तो जो वेव जा रही होती है तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करती है और ये ऊपर जंप हो जाती है और आखिरी आंसर है ऑल ऑफ दीज तो जाहिर है जब ये तीनों हैं तो ऑल ऑफ दीज इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रो मैगनेटिक्स वेवस हैव द सेम स्पीड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड या वेव लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डायग्राम को देखें सूरज से आपके पास पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम आ रहा होता है जिसमें इंफ्राडेड भी होती हैं एक्स रेज भी होती हैं कैमरा रेज भी होती हैं विजलबल लाइट भी होती है और आपने सुन रहा होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कॉन्सटेंट होती है थ्री इंटू टेनरेज वॉर एट मीटर पर सेकेंड अच्छा ये जो स्पेक्ट्रम होता है मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट का इन्फ्रा लाइट का विजिबल लाइट का एक्सेज का इसकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होती हैं वेवलेंस भी डिफरेंट होती हैं और एम्पलीट्यूड भी ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं सिर्फ जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है स्पीड जो है ना वो कॉन्सटेंट होती है तो इससे हम लोग अखस करते हैं कि इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड इन वैक्यूम वैक्यूम के अंदर जो है उनकी क्या चीज़ सेम होती है स्पीड क्वेश्चन नंबर सेवन लार्ज रिपल टैंक ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्टी हर्ट्स प्रोड्यूसिसाइव कंप्लीट वेव्स यानी ये नंबर ऑफ़ वेव्स बता रहे हैं इन अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर एक फिफ्टी सेंटीमीटर का फासला है उसके अंदर पच्चीस वेवस बना रहा है तो दिलासिटी ऑफ द वेव फाइंड करनी है तो इसने ऑप्शन दी है वेलोसिटी ऑफ वेव 53 सेंटीमीटर पर सेकंड 60 सेंटीमीटर पर सेकंड सेवन फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकंड या 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड सबसे पहले तो हम वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं विलॉसिटीज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टू लेमडा अब हमारे पास कौन सी वैल्यू मौजूद है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो मौजूद है लेमडा यानी वेव तो इसने इन दोनों वैल्यूज़ में हमें नहीं दिया तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी इज ईक्वल टू थर्टी मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क क्योंकि लेमडा अभी हमने फाइंड आउट करना है तो ये एक डायग्राम आप देख लें कि आप डिस्टेंसिस ने क्या बताया कि यहाँ से कहीं से शुरू हुआ है और 50 सेंटीमीटर के फासले में कितनी वेव्स आई हैं 25 यानी नंबर एन 25 है और डिस्टेंस डी 50 सेंटीमीटर है तो इसको अब हम लोगों ने लेमडा कैसे मैयर करना है तो नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड वेव्स एन है कैन बी रिलेटेड टू लेमडा वेव किस तरह एंड डिस्टेंस डी बाई फार्मूला एन इज़ इक्वल टू डी बाई लेमडा या लेमडा मालूम करना होगा तो लेमडा लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और एन नीचे आ जाएगा लमडा इज इक्वल टू डी डी डिवाइड बाई एन फिफ्टी सेंटीमीटर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो, तो लमडा आ गया टू सेंटीमीटर अब हम इसको लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन में यहाँ पे फिल करेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू थर्टी मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू सिक्सटी सेंटीमीटर पर सेकेंड लिहाजा बी इज द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज इनडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स के वेव की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका बाकियों के ऊपर कोई दारोमदार नहीं है स्पीड फ्रीक्वेंसी एम्पलीचूड या वेव तो आपको फार्मूला तो पता है वी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा अभी हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन लेमडा अब इसमें देखें स्पीड भी आ गई ठीक है फ्रीक्वेंसी भी आ गई वेव भी आ गई सिर्फ एम्पलीच्यूड नहीं आया तो आंसर तो हमें यहीं पे पता लग गया है लेकिन इस तस्वीर को भी ज़रा समझ लें जब फ्रीक्वेंसी हाई है ये देखें ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेव्स आ रही हैं तो उस टाइम पे वेव की लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है छोटे साइज़ की होती है जब फ्रीक्वेंसी लो हो यानी कम वेव जा रही हैं तो वेव का साइज लंबा हो जाता है बड़ा हो जाता है फ्रीक्वेंसी और वेव आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन यहाँ से आपने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वेव चेंज हो जाती है स्पीड मोस्ट ऑफ द केसेज में कॉन्स्टेंट होगी यहाँ पर ठीक है और सिर्फ एम्पलीट्यूड है जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स है तो एम्पलीटूड इज़ आवर राइट चॉइस आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉसटी या स्पीड फ्रीकवेंसी एंड लमडा वेव लेंथ ऑफ वेव इज ये ऑलरेडी हमने दो पिछले एग्जाम्पल्स में भी पढ़ ली है ऑप्शन हमारे पास ये चार गिवन हैं अब आप इसमें कभी कभी कन्फ्यूज हो सकते हैं पेपर में ज़्यादा आपने कोई ऐसा रट्टा लगाना है जो सारी जिंदगी आपको ना भूले इस फार्मूले का तो आप याद रखा करें फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेव लेंथ कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेव ज़्यादा हो जाती है जब ये लेमडा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेगा तो इस साइड पर कोई कॉन्सटेंट आना चाहिए ठीक है और वो कॉन्सटेंट होता है वी यानी कि स्पीड और विलासिटी इसको कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते होते हैं ताकि याद रह सके अगर लेमडा मालूम करना होगा तो वी ओवर एफ़ अगर एफ़ मालूम करना होगा तो वी ओवर लेमडा और अगर वी मालूम करना होगा तो एफ़ मल्टीप्लाई बाय लेमडा तो ये हमारा आंसर है वी इज़ इक्वल टू एफ इन टू लेमडा ये कहाँ पर गिवन है ये ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस